गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर बाय अनुरूपण मेथड। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन फाइंड द क्यूब ओनली फॉर दोज नंबर विच हैव टू डिजिट्स। मीन्स यहाँ जो है हम क्यूब जो है ऐसे नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें दो डिजिट्स होती हैं। सो जैसे हम बात करें 23 एंड 37, बोथ नंबर्स हैव टू डिजिट्स। सो वी कैन इजली फाइंड आउट क्यूब by use of अनुरूपण method. Method is very simple and very interesting. So first of all, make four parts. First, second, third, and this is your fourth part. So divide the region into four parts. Now this is your unit digit and this is your tens digit. So जो first part है उसमें जो आपकी tens digit है उसका cube लिखेंगे, उसका cube। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपकी टेंस डिजिट है सेम उसका स्क्वायर लिखेंगे, और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपकी टेंस डिजिट को लिखेंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें आप जो यूनिट डिजिट है आप उसकी क्यूब लिखेंगे। थर्ड पार्ट में जो आपकी यूनिट डिजिट थी उसकी स्क्वायर लिखेंगे, और जो आपका ये कह सकते हो सेकेंड पार्ट है उसमें आपकी जो यूनिट डिजिट है उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो टू क्यूब मीन्स 8, टू स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3 वी गेट 12, नाउ 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, एंड दिस इज योर 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, अब जो आपके मिडल वाले जो पार्ट हैं, मिडल वाले, ठीक है, इनका डबल एक बार फिर लिखेंगे। सो 12 का डबल वी गेट 24, 18 का डबल वी गेट 36। अब जो है इनका सम करके सो फोर्थ पार्ट एड जीट इज 27। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हमारा बनेगा 8 एंड 6 वी गेट 14, सम करेंगे 5, 8 एंड 6 14, 3 4 1 5, 4 2 6 एंड 2 1 3 एंड दिस इज 8। अब देखिए क्या होगा, जो हमारे चारों पार्ट्स हैं उसमें राइट हैंड साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हर एक का एक डिजिट लेंगे, अगर एक से ज़्यादा डिजिट है सो हम उसको शिफ्ट करेंगे। सो जो आपका फोर्थ पार्ट है उसकी जो सिंगल डिजिट है 7 वो यहाँ होगी, जो टेंथ डिजिट हो गया उसको इधर शिफ्ट करेंगे। सो 54 ये इधर शिफ्ट होके इधर आया तो प्लस होगा, 54 प्लस 2 वी गेट 56, वी गेट 56। सो 56 में से सिर्फ हम जो यूनिट डिजिट है उसको यहाँ लिखेंगे। रह क्या गया 5, वो 5 जो है इसके साथ शिफ्ट होगा। सो देखिए 2 को हमने इधर शिफ्ट किया, 54 प्लस 2 वी गेट 56। सो 6 को मैंने यहाँ लिखा, रह क्या गया 5, वो 5 इससे ऐड होगा। सो 36 प्लस 5 वी गेट 41। सो 41 का 1 हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास क्या रह गया 4, वो 4 लास्ट यहाँ आएगा। सो 8 प्लस 4 वी गेट 12। सो दिस इज योर क्यूब ऑफ द नंबर 27 बाय अनुरूपण मेथड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द क्यूब ऑफ 37। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फोर पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड, दिस इज योर थर्ड पार्ट एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट। This is your unit digit and this is your tens digit. So सबसे पहले first part में जो आपकी tens digit है उसकी cube, second part में जो tens digit है उसकी square, third part में जो tens digit है as it is, fourth part में जो आपकी unit digit है उसका cube, into second part में जो tens unit digit है उसका square, और third part में जो आपकी unit digit है उसका multiply. Now 3 cube, क्यूब ऑफ 3 वी गेट 3 जा 9 3 जा 27। नाउ 3 स्क्वायर 3 जा 9, 9 7 जा 63, नाउ 7 7 जा 49, 7 स्क्वायर 49 इंटू 3, सो 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 एंड 14, सो वी गेट 147। एंड हियर 7 क्यूब, सो 49 इंटू 7, वी 7 क्यूब मीन 7 7 जा 49 इंटू 7, सो 7 9 जा 63, कैरी 6,
3, 4, 3. अब जो मिडल पार्ट है जो दोनों, उनमें इनका डबल, सो इसका डबल हमारे पास होगा 126 और इसका जो डबल है दैट इज 2 7s are 14, कैरी 1, 2 4s are 8, 9 एंड 2 दिस वन. अब हम क्या करेंगे, इनका सम 3, 4, 3. नाउ 7 और 4 11, 7 plus 4 11, कैरी 1, 14, कैरी 1 4, 1 and 2 7. अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, जो ये वाला नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट इधर, सो 3 को मैंने इधर लिख दिया, रह क्या गया 34, वो इधर शिफ्ट होके इसमें ऐड होगा, सो 441 plus 34, देखिए 441 में 34 इधर आके ऐड होगा, सो 4 plus 1 5, नाउ 437 and 4, सो हमें मिला 475. सो 475 में से 5 जो है वो तो यहाँ हो जाएगा, रह क्या गया 47, वो इसमें ऐड होगा, इधर से शिफ्ट होके 47 इसमें ऐड होगा, सो 189 plus 47, 9 and 7 16, कैरी 1 13 and 2, सो हमें मिला 236. उस 236 में से 6 यहाँ होगा, 23 जो है यहाँ से इसमें शिफ्ट होगा, सो 27 plus 23, वी गेट 50, सो वी गेट 50. सो दिस इज आवर क्यूब ऑफ 37 बाय यूज ऑफ अनुरूपण मेथड. सो दिस इज द अनुरूपण मेथड, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग मेथड.